तुम कितने भी बड़े हो जाओ, तुम युधिष्ठिर हो जाओ, सत्यवादी हो जाओ, तुम दानवीर कर्ण हो जाओ, तुम महावीर अर्जुन हो जाओ, तुम श्री कृष्ण हो जाओ, तुम श्री राम हो जाओ, तुम कुछ भी हो जाओ, होगा वही जो मैं चाहूंगा। मैं चाहूंगा का मेरा मतलब है जो दाता चाहेगा। इसलिए व्यर्थ चिंता छोड़ो। ओम तत्सत। दाता याद है। मैं और ब्रह्म बहुत बार जब कभी किसी चेतना का स्तर इतना ऊपर उठ जाए कि खुद से ऐसा एहसास होने लगे, ऐसी आवाज आने लगे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और वास्तविकता तो यही है। अगर आप ब्रह्म नहीं हैं, तो आप ब्रह्म में हैं। अगर आप ब्रह्म नहीं हैं, तो ब्रह्म कौन है? जो भी चेतनाएं जब से ये विश्व बना है, जब से ये कायनात है, जब से ये पृथ्वी है, जब से मनुष्य की आत्मा इस धरती पर जन्म लिए है, एक ही चीज की खोज शुरू से आज तक हमने बहुत सारी खोजें की हैं। हमने चांद को पा लिया, हम दूसरे ग्रहों पर भी पहुंच जाएंगे, पर एक खोज, और शायद कहना चाहिए एक सनातन खोज, एक खोज, एक विचार, एक इच्छा, एक आग जो मनुष्य के तन में, मनुष्य के मन में उस समय से शायद लगी है जब से इस धरती पर मनुष्य ने जन्म लिया है। बहुत सारी चेतनाएं हैं, पादप चेतनाएं भी हैं, वृक्ष हैं, पादप हैं, चेतना है, जीवन है, और फिर जीव है, एनिमल्स हैं, पशु पक्षी और हम मनुष्य। लेकिन क्योंकि मनुष्य की चेतना सर्वोच्च चेतना है, सभी जीवों में, सभी प्राणियों में सर्वोच्च चेतना है, और उसका कारण यह है कि मनुष्य की चेतना में वो शक्ति है, वो दर्पण है, मनुष्य की चेतना में वो प्रतिबिंब है जिसमें उसकी आकृति प्रकट होती है, उसकी छाया प्रकट होती है। छाया में कोई पदार्थ नहीं है, छाया में कोई पदार्थ नहीं है, लेकिन कम से कम इतना जानने का अवसर जरूर है कि कुछ वास्तविकता है। बिना वास्तविकता के छाया भी पैदा नहीं हो सकती। छाया पदार्थ नहीं है, लेकिन कम से कम हमें यह जानने का अवसर है
की छाया में कुछ वास्तविकता हमें दिखाई दे रही है, और ये सिर्फ मनुष्य की चेतना जो उसे समझ सकती है। जन्मों 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 और पता नहीं कितने जन्मों तक हम इसी तरह इसी सृष्टि में इसी तरह हर बार आते रहेंगे और सिर्फ एक चीज की खोज करते रहेंगे जो है, जो सदा से है, हमारे भीतर है। तो मैं फिर से अपने पिछले प्रश्न पर आता हूं कि क्या हम ब्रह्म हैं? अहम ब्रह्मास्मि, क्या यह सही है? और जिन लोगों ने भी यह बोला है, और हर धर्म ने बोला है, हर विचारधारा में बोला है, अलग अलग भाषाओं में बोला होगा, पर यही बोला है। जब मनुष्य की चेतना का स्तर वहां पहुंच जाए तो फिर कोई आवाज और हो ही नहीं सकती। जब वो प्रतिबिंब उसकी सकारात्मकता उसकी असलियत आपकी आंखों के सामने आ जाए, आपकी आंखों के सामने से पर्दा हट जाए, तो फिर आप ये बोलो कि मैं ही ब्रह्म हूं, फिर आप ये बोलो कि अहम ब्रह्मास्मि, और फिर आप ये बोलो अनलहक। सूफी हो गए वहां पहुंचे हैं। हमारी सृष्टि में एक के बाद एक, एक के बाद एक, और फिर उसके बाद एक, और फिर एक, और फिर एक, और फिर एक, पता नहीं कितने एक आते रहेंगे जो सर्वोच्च चेतना को या उस सर्वोच्च परमात्मा को, उस परम आत्मा को, उस अल्लाह को, उस खुदा को, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, दाता को, उसकी एनर्जी को, उसकी ऊर्जाओं को अपने अंदर समाहित करेंगे, और वहां जाकर वहां बैठकर इस मनुष्य रूप में फिर से बोलेंगे अहम ब्रह्मास्मि। और हम फिर से उनका पढ़ाया हुआ, फिर से उनका समझाया हुआ, फिर से उनका लिखा हुआ, फिर से उनका बोला हुआ दोहराते रहेंगे। अगर वो ब्रह्म है तो आप भी ब्रह्म हैं। अगर उनकी चेतना मनुष्य रूप में ब्रह्म हो सकती है तो आप ये भ्रम मत पालना कि आप ब्रह्म नहीं हैं। आप भी वही हैं, क्योंकि सारी ऊर्जाएं, सारी शक्तियां, सारी कायनात सिर्फ एक ही से पैदा होती है, सिर्फ दाता से पैदा होती है। उसी की शक्ति, उसी की एनर्जी, उसी की ऊर्जा हर चीज में है, हर पल में है, हर क्षण में है, इस पत्थर में है, इस वृक्ष में है, आप में भी है, और उतनी ही है जितनी मुझ में है, और उतनी ही है जिन्होंने बोला है अहम ब्रह्मास्मि। हम बहुत सारी चेतनाओं से प्रेरित हैं, महावीर जैन हैं, गौतम बुद्ध हैं, मोहम्मद हैं, जीसस हैं, श्री राम हैं, कृष्ण हैं, रामानुज हैं, मीरा हैं,
और बहुत सारे लोग जो वहां पहुंचे हैं विभिन्न रास्तों से पहुंचे हैं। हर का रास्ता अलग हो सकता है, रास्ते में बुराई नहीं है अगर मंजिल तय है, अगर मंजिल दिखाई दे रही है, अगर मंजिल उद्देश्य है, तो फिर आप इस रास्ते से जाएं या इस रास्ते से जाएं या उस रास्ते से जाएं, कोई रास्ता छोटा बड़ा लंबा या कम लंबा हो सकता है, पर इससे क्या फर्क पड़ता है। मेरा रास्ता आपके रास्ते से अच्छा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर आपका रास्ता भी आपको अपनी मंजिल तक ले जा सकता है तो आप अपने रास्ते पर चलिए, क्योंकि अगर आप अपने रास्ते पर चलेंगे तो वो आपके लिए सुगम होगा, वो आपके लिए आसान होगा, आपको कठिनाइयां नहीं झेलनी पड़ेंगी, आपको ऊबड़ खाबड़ नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि आपको चलना आता है उस रास्ते पर। तो अपने रास्ते को गाली मत दें, दूसरे के रास्ते को गाली मत दें। अगर सभी रास्ते एक ही मंजिल तक जा रहे हैं तो कोई रास्ता गलत नहीं हो सकता, छोटा बड़ा हो सकता है, पर उससे क्या फर्क पड़ता है। हमने कितने जन्म लिए होंगे या हम कितने जन्म लेंगे, या अगर हमने जन्म नहीं भी लिए और हम जन्म नहीं भी लेंगे तो ये जो जन्म मिला है ये क्या कम है। कभी कोई चेतना इतनी सर्वोपरि हो जाए, इतनी ऊपर उठ जाए, वहां पहुंच जाए कि परमात्मा बन जाए और कहे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की अवगति होगी, जब जब धर्म का विनाश होगा, तो धर्म की रक्षा के लिए मैं पैदा होऊंगा। कौन से धर्म की बात कर रहे हैं कृष्ण? वहां कितने धर्म थे जिनके झगड़े थे? कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। तो बात जब कृष्ण कर रहे हैं कि जब जब धर्म की व्यवस्था में अपमान होगा, अवगति होगी, तब तब मैं आऊंगा धर्म की रक्षा के लिए। क्या मतलब है धर्म से? मतलब सिर्फ इतना है कि जीवन जिस ढंग से जीना चाहिए, जो आपको करना चाहिए, जो आपके असली धर्म है, जो आपकी आत्मा का धर्म है, जो आपका धर्म है, जो सनातन है, आपकी खुद के मौलिक गुण है, प्रेम, शांति, शक्ति, पवित्रता, वो सातों गुण जिनके बारे में पहले चर्चा कर चुका हूं, उस धर्म की बात कृष्ण करते हैं और कहते हैं अगर तुम अपने धर्म से विचलित होगे, अगर तुम धर्म का विनाश करोगे, अगर तुम धर्म के साथ छेड़छाड़ करोगे, खिलवाड़ करोगे, तो मैं पैदा हूं, मैं फिर से धरती पे आऊंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। कितनी सर्वोच्च चेतना रही होगी जब श्री कृष्ण ने यह बोला होगा। कृष्ण का स्तर जब अर्जुन को श्री कृष्ण ने अपने मुख से शारीरिक रूप में, एक मनुष्य रूप में, रथ के ऊपर खड़ा होकर ये कहा होगा कि हे अर्जुन देख, सब मुझ में ही आ रहे हैं, सब मुझ में ही समा जाएंगे, सब मुझ में ही खत्म हो जाएंगे, सब मुझसे ही निकलते हैं, ये पृथ्वी, ये आकाश, ये वृक्ष,
सब मैं ही हूं, तो तू चिंता मत कर। आप क्या समझते हैं कि परमात्मा अल्लाह दाता सर्वोच्च चेतना ब्रह्म वो पृथ्वी पर आकर बोल रहे हैं? नहीं, कृष्ण की चेतना का स्तर उस समय इतना बड़ा है कि वो खुद ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, वो वहां विराजमान हो गए हैं। वहां कृष्ण नहीं, वहां दाता, वहां परमात्मा वो बोल रहा है कि मैं ही हूं। तुम क्यों परेशान हो भाई? सब मुझ में ही खत्म हो जाएगा, सब मुझ में ही मिट जाएगा, सब मुझसे ही पैदा होता है। तो व्यर्थ चिंता छोड़ो, क्योंकि चिंता करने योग्य है ही नहीं कुछ भी। तुमने अपनी मर्जी से किया क्या है जिंदगी में? कुछ भी तो नहीं किया। जुआ खिलवाया गया पांडवों को कौरवों के साथ, या कौरवों को पांडवों के साथ, जंगल जाना पड़ा, वहां से वापस आना पड़ा, लड़ाई होनी पड़ी। तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं कर सकते। मैं जो करवाऊंगा वही होगा, ये दाता बोल रहे हैं। तुम कितने भी बड़े हो जाओ, तुम युधिष्ठिर हो जाओ, सत्यवादी हो जाओ, तुम दानवीर कर्ण हो जाओ, तुम महावीर अर्जुन हो जाओ, तुम श्री कृष्ण हो जाओ, तुम श्री राम हो जाओ, तुम कुछ भी हो जाओ, होगा वही जो मैं चाहूंगा। मैं चाहूंगा का मेरा मतलब है जो दाता चाहेगा। इसलिए व्यर्थ चिंता छोड़ो, परेशान मत हो, अपना कर्म करो, अपना धर्म निभाओ, अपनी आत्मा से लड़ाई मत करो। हर समय, हर पल, हर स्थिति में सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखो कि मेरी भी नहीं कहना चाहिए, मैं आत्मा, जो मेरे मौलिक गुण है, जो मेरे सनातन गुण है, जो मेरा धर्म है, जो मेरा स्वभाव है, जो मेरी प्रकृति है, मैं उससे जुदा नहीं। अगर प्रेम मेरा स्वभाव है तो मैं सिर्फ प्रेम दे सकता हूं। अगर पवित्रता मेरा स्वभाव है तो मेरी पवित्रता को कोई बिगाड़ नहीं सकता। अगर मैं शक्ति हूं तो मुझे कोई विचलित नहीं कर सकता। अगर मैं शांत हूं तो मुझे कोई अशांत नहीं कर सकता। अगर मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान का क्या मतलब है? हम ज्ञान की चर्चा बहुत अलग अलग तरीकों से, अलग अलग विचारों में करते हैं, पर ज्ञान का क्या मतलब है? ज्ञान का मतलब है द क्लैरिटी अबाउट द थिंग्स एंड द फैक्ट्स, चीजों और तथ्यों की वास्तविकता, उसका आभास, उसकी जानकारी, सिर्फ यही ज्ञान है। और जिस दिन हम इस चीज को समझ लेंगे कि वास्तविक क्या है, तथ्य क्या है, फिर भटकाव अपने आप बंद हो जाएगा। मैं आनंद स्वरूप हूं, ब्लिस मेरा मौलिक अधिकार है, मेरा मौलिक स्वभाव है। अगर सोसाइटी की, समाज की कंडीशनिंग ना हो, कंपटीशन ना हो, एक दूसरे से भेदभाव ना हो, जैसे एक बच्चा होता है 1 साल का, आनंद, भूख लगी है तो रोएगा, अदरवाइज आनंद में।
आज शायद इतना ही। कभी विचार करना, बहुत सारी चेतनाएं जिन्हें हम जानते हैं, जिनका हमें आभास है, जिनसे हमें शिक्षाएं मिली हैं, जैसे मैंने कुछ नाम लिए, और बहुत सारी ऐसी चेतनाएं जिन्हें हम नहीं जानते, पर वो भी उस स्वरूप को प्राप्त हो चुकी हैं। आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, पर बहुत 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 सारी चेतनाएं वहां तक पहुंची हैं। लेकिन आपको, मुझे इस चीज की जानकारी, इस चीज का आभास, इस चीज की लगन होना जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ चीजों और तथ्यों की वास्तविकता का ज्ञान ही असली ज्ञान है। क्या असली है, क्या नकली है, क्या स्थाई है, क्या अस्थाई है, बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम तत्सत।